आज हम मिड जर्नी के ऊपर बनाएंगे एक लॉन्ग वीडियो, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था। वेलकम टू सोनिया इज ऑनलाइन, और आज हम सीखेंगे मिड जर्नी को कंप्लीटली किस तरह से बनाना है, और जीरो टू हीरो किस तरह से जाना है, और इससे अर्निंग आप किस तरह से कर सकते हो। मैं आपको बेसिक बताती हूँ मिड जर्नी का क्या है। बेसिकली देखिए, जैसे कोई एक्सटेंशन हम क्रोम के अंदर ऐड करते हैं ना, वैसे ही मिड जर्नी डिस्कॉर्ड की एक्सटेंशन है। तो हमें सबसे पहले चाहिए एक अकाउंट डिस्कॉर्ड के ऊपर। हम जैसे डिस्कॉर्ड के ऊपर जाएंगे, यहाँ पर इस जीमेल से मेरा डिस्कॉर्ड के ऊपर कोई अकाउंट वैसे बना नहीं हुआ, तो यहाँ पर आपको जीरो से पता चलेगा किस तरह से अकाउंट बनाना है। हम यहाँ पर इसको कर देंगे ओपन डिस्कॉर्ड इन ब्राउजर्स। यहाँ पर आपने अपना नाम लिखना है, यहाँ पर मैं अपना नाम लिख देती हूँ, और एरो पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर प्लीज क्लिक ईच इमेज कंटेन अ फ्राइड एग। अब यहाँ पर जितने भी फ्राइड एग है उनकी इमेज को हम क्लिक कर देंगे। वेरीफाई होने के बाद ये आपसे आपकी डेट ऑफ बर्थ मांगेगा। अब यहाँ पर आपको वो पूछेगा कि आपने किसके लिए यूज करना है, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ आर्टिस्ट एंड क्रिएटर। ठीक है, आप जो चाहो आप वो लिख सकते हो। ठीक है, अपना सर्वर क्रिएट कर लेती हूँ मैं। इसको हम थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर ना आपने एक काम है, उस स्टेप को मिस नहीं करना है, वो है अपना जीमेल वेरीफाई करना। अगर आप जीमेल वेरीफाई नहीं ना करोगे तो ये आपका डिस्कॉर्ड नहीं चलने वाला। जब तक हमारा जीमेल आ रहा है, हम मिड जर्नी पे आ जाते हैं। यहाँ पर हम अगेन लिखेंगे मिड जर्नी, ये है यहाँ पर वेबसाइट। अब हम इसको करेंगे ज्वाइन द बीटा। ठीक है, डिस्कॉर्ड पर आ जाएगा, एक्सेप्ट इनविटेशन कर लेंगे हम लोग, अगेन वेरिफिकेशन देंगे, इमेज कंटेन आर ट्यूलिप। यहाँ पर हमारे पास ये सर्वर वगैरह ओपन हो चुके हैं। ठीक है, यहाँ से आपने डिस्कॉर्ड के सेटअप को जो है डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पर हमारे पास वेरिफिकेशन का मेल आ गया है, हमने यहाँ पर वेरीफाई ईमेल कर देना है, अदरवाइज आप मिड जर्नी को यूज नहीं कर पाओगे। अच्छा, यहाँ पर जो है ना न्यू बी रूम्स है, एक बार जब आप नए नए आए हो ना तो आप न्यू बी रूम यूज कर सकते हो, अदरवाइज जब आप पुराने हो जाओगे ना तो आप नीचे वाले रूम्स यूज कर लेना या दूसरे रूम्स को ज्वाइन कर लेना, जहां पर आप अपने मिड जर्नी को टेस्ट कर पाओ या उनको क्रिएट कर पाओ। ठीक है, यहाँ पर जो रूम्स होते हैं ना, मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, इनमें काफी ज्यादा ऑडियंस होती है और काफी ज्यादा यहाँ पर जो है ना रश होता है एक तरह से। तो आप पता है क्या कर सकते हो, आप अपना ही अलहदा रूम परचेज कर सकते हो पैसों से, डॉलर से। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि आपको बार बार अपनी इमेज ढूंढनी नहीं पड़ेगी। ऐसे आप कुछ भी लिखते हो ना तो एक सेकंड में आप लिखोगे और वहां पर 10 लोग और भी लिखेंगे, तो देखो एक सेकंड में इतने ज्यादा लोग जो है इमेजेस क्रिएट कर रहे हैं। या आप ये कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पर 3 से 4 रूम बने हैं, आप किसी रूम में जाकर देख सकते हो कि जहां पर थोड़ा कम जो है ना लोग होंगे, वहां पर आप जाकर तो अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हो। अच्छा, यहाँ पर हमने इमेज कैसे क्रिएट करनी है वो मैं आपको बता देती हूँ, और क्या तरीका है इसका इमेज क्रिएट करने का, बहुत ज्यादा इजी है। यहाँ पर आपने आना है और यहाँ पर आपने स्लैश लगानी है, और यहाँ पर लिखना है इमेजिन, IMAGNI इमेजिन। यहाँ पर ऊपर ही आपका प्रॉम्प्ट आ जाएगा, आपने इसको क्लिक करना है ना तो ये प्रॉम्प्ट आपका यहाँ पर रेडी हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं कुछ भी लिख सकती हूँ, यहाँ पर एक्सेप्ट TOS लिख देंगे। अच्छा, यहाँ पर क्या होगा कि जब इमेज बहुत ज्यादा आएंगी ना, तो आपने किस तरह से अपनी इमेज ढूंढनी है, यहाँ पर ऊपर देखेंगे तो आपका हैंडल होगा एक यहाँ पर,
ठीक है, आपका नाम लिखा होगा और यहाँ पर लिखा होगा वेटिंग टू स्टार्ट। आपने कोशिश करना है कि आप इसी बोर्ड के ऊपर रखो, क्योंकि यहाँ पर ही आपकी इमेज शो होगी। अच्छा, अगर इन केस आपको ये लग रहा है कि आपकी इमेज नहीं अच्छी आई, या कुछ इस तरह से लग रहा है कि उसने नहीं ठीक से लिखा, तो आप यहाँ पर रिफ्रेश कर सकते हो। ये सारी इमेज आपको चेंज करके दिखा देगा। प्लस यहाँ पर आपको U1, U2, U3, U4 लिखा हुआ नजर आएगा। अब ये 1, 2, 3, जो 1, 2, 3, 4 है ना, U की लाइन में और V की लाइन में, ये सारे इमेज के नंबर है। ये है पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। जब आप U पे क्लिक करोगे ना, तो ये इमेज आपको वही इमेज को थोड़ा एडवांस करके दिखा देगा। लेकिन जब आप V पे क्लिक करोगे ना, तो V का मतलब होता है वर्जन, ये इसी इमेज का एक अलग वर्जन आपको खोल के दिखा देगा। अब ये देखिए, जब मैंने रिफ्रेश किया था, तो यहाँ पर उसने थोड़ा सा इमेज को चेंज किया है। ये बार बार ऊपर नीचे इसलिए जाते हैं क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा ऑडियंस ऑलरेडी मौजूद है, तो वो भी अपनी चीजें जो है वो बना रहे होते हैं और मुसलसल चीजें आ रही होती हैं। ठीक है, यहाँ पर ये चीज जो है फिर थोड़ी बहुत बेहतर लगी है। इसका फोर्थ वर्जन जो है मुझे अच्छा लगा है। जब यू पे क्लिक किया था, तो इसने बिल्कुल ही जो है उसका अलहदा बना देगा। जब हम वी पे करेंगे ना, V4 पे, तो इसी वर्जन को थोड़ा वो बेहतर बना के दिखाएगा। थोड़ा सा इमेज ढूंढने में आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, ठीक है। जब भी आपकी इमेज बन जाएगी ना, तो ये पूरा 100% यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा। अब मैं आपको यू पे क्लिक करके दिखाती हूँ। जैसे कि U4 वाली इमेज है ना, वो ज्यादा अच्छी लग रही है। जहां पर आप देख रहे हैं 31%, जहां पर लिखा है ना 62 हो गया है, यहाँ पर आपकी इमेज यहाँ पर रेंडर हो रही होगी। जैसे ही रेंडर हो जाएगी, यहाँ पर 100% लिखा हुआ आ जाए। और जब अगर यहाँ पर लिखा वेटिंग टू स्टार्ट, यानी कि अभी इमेज वो प्रोसीड में है। ये देखिए, जैसे हमने U4 पे क्लिक किया है ना, तो यहाँ पर ये हमें इमेज को बड़ा करके दिखा देगा। यहाँ पर आप इसके मजीद वेरिएशन क्रिएट कर सकते हो, लाइट अपस्केल कर सकते हो, बेटर अपस्केल कर सकते हो, या वेब पर जा सकते हो। अच्छा, यहाँ पर इसको डाउनलोड कैसे करना है, आपने इसके ऊपर एक बार क्लिक करना है। राइट क्लिक करके आप यहाँ पर सेव इमेज एज को कर देंगे और सेव कर लेंगे, तो ये इमेज आपके पास सेव हो जाएगी एज इट इज। डाउनलोड्स में आएंगे और ये इमेज जो है आपके पास सेव हो गई है। आप इसको चाहो तो चेंज कर सकते हो, इवन के आप यहाँ पर अपनी इमेज डाल के उससे भी कुछ चीजें जो है निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर कोई चीज ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेसी की पिक्चर कोई ले लेते हैं, ठीक है। उसका नाम मेसी है, मैंने वाई लिख दिया था, उसके नाम में आता है आई। यहाँ पर हम इसकी इमेज लेते हैं, सेव इमेज एज करते हैं, डिस्कॉर्ड पे वापस आते हैं हमारे पेज पे। यहाँ पर हम इस इमेज को अपलोड कर देंगे, प्लस के साइन पे क्लिक किया है, अपलोड फाइल पे जाएंगे, और यहाँ पर जो हमारे पास डाउनलोड है, इसको क्लिक करके यहाँ पर हमने एंटर प्रेस कर देना है। यहाँ पर ये अपलोड हो जाएगी। अब हमने राइट क्लिक करके इस इमेज का जो होगा ना लिंक, उसको हमने कॉपी कर लेना है। अब हमने क्या करना है, इस इमेज को अगेन क्लिक करना है एक बार इसके ऊपर। ये आपके पास जब बड़ी होके आ जाएगी, राइट क्लिक करके हम लोगों ने इसका इमेज का एड्रेस कॉपी कर लेना है। आप चाहो तो अपलोड करके कर सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ पर भी आके राइट क्लिक करोगे, तो इसका एड्रेस जो है वो कॉपी हो जाएगा। वो भी अभी मैं आपको सिखाऊंगी किस तरह से करना है बिना डाउनलोड किए हुए। अच्छा, अब अगेन यहाँ पर आना है, स्लैश इमेजिन क्लिक करना है। प्रोम पे आके आपने सबसे पहले अपनी इमेज का लिंक डालना है, देन आपने कोमा लगाना है। ये स्टेप मिस नहीं करने, अगर मिस करेंगे तो आपकी इमेज नहीं बनेगी। मेक हिम अ प्योर मुस्लिम। ठीक है, यहाँ पर बोट अभी कुछ तो करके देगा इसके साथ। आपने ये मेक श्योर करना है कि जहां जहां आपकी इमेज जितना ऊपर जाती जा रही है, आपने अपनी इमेज के साथ ही रहना है। लगता है इंडियन फिल्मों की तरह मिड जर्नी को भी यही लगता है कि यार टोपी पहन के, सुरमा पहन के, तो कोई भी जो है वो मुसलमान बन जाता है।
ठीक है, यहाँ पर ये हो गया, इमेज इसकी मुस्लिम की एक बन गई है। ठीक है, मिड जर्नी में ना दो फ्लॉज है। एक तो ये कि आप देखो कि इंटरनेट काफी टाइम से हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो इंसान ने जो चीजें बनाई हुई है, एआई क्या करता है कि उन चीजों को देखता है, ढूंढता है और वही चीजें थोड़ी बहुत चेंज करके आपके सामने रख देता है। आई थिंक कि ये फिलहाल अपने दिमाग से कुछ नहीं बना रहा, ये जो ऑलरेडी बनी बनाई चीजें हैं उनको ही हम लोगों को दिखा रहा है, जो कि मतलब काफी रेयर है, जो काफी ज्यादा लोगों ने नहीं देखी है। ठीक है, प्लस ये कि इसका एक और फ्लो ये है कि यहाँ पर ये स्पेलिंग अच्छे नहीं देता। यहाँ पर आप इसको कुछ भी स्पेलिंग लिख के दोगे ना, वो हमेशा आपको गलत स्पेलिंग ही देगा। अब यहाँ पर मैं आपको अपना लोगो क्रिएट करके दिखाती हूँ। आप लोगो यहाँ पर एक क्रिएट तो कर सकते हो, आइडिया तो ले सकते हो, लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि सामने वाले क्लाइंट से आप पैसे ले लो और प्रॉपर लोगो यहाँ से बनवा के 2 सेकंड के अंदर उसको दे दो। ऐसा नहीं होगा क्योंकि वो स्पेलिंग हमेशा गलत लिखता है। स्लैश इमेजिन प्रोम, यहाँ पर इसने काफी कमाल के हमें लोगोस बना के दिए हैं। इसको हम एज ए इंस्पिरेशन सेव कर लेते हैं। मुझे ये वाला लोगो जो है फोर्थ वन, ये काफी अच्छा लगा है। U4 पे क्लिक करेंगे, मतलब आप इससे नेक्स्ट जितना भी चाहो वो आप मेहनत कर सकते हो इस पे, और इसको थोड़ा बहुत चेंज करके इसको दिखा सकते हो कि किस तरह की इमेज वगैरह जो है वो आपको चाहिए, किस तरह का काम आप करना चाह रहे हो, और इससे बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने आपको बता दिया, गेमर्स के लिए बहुत बड़ा टाइम सेवर है ये कि उन्होंने जो भी गेमिंग करनी होगी उसकी इंस्पिरेशन यहाँ से ले सकते हैं, उनको खुद से क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। सेकेंड, आप कैनवा और पिक्सल लैब और पिक्स आर्ट, आई स्टॉक और ऐसी वेबसाइट पे अपनी इमेजेस आप सेल आउट कर सकते हो, इस तरह के लोगो सेल आउट कर सकते हो, इस तरह की इमेजेस सेल आउट कर सकते हो, या आप एक और काम ये कर सकते हो कि आप कुछ भी ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, आपने इंस्टाग्राम पर यही पोस्ट जो है उठा के डालनी शुरू कर देनी है दूसरों की। बेशक ये चार आप इमेज उठा लो, बेशक एक इमेज उठा के डालना शुरू कर दो, दूसरों की भी अगर आप इमेज उठा के डालोगे यहाँ पर, तो इंस्टाग्राम पे आपके पास पर डे अगर 1000 पोस्ट भी हो जाते हैं, या चलो 500 या 100 पोस्ट भी आप लगा देते हो इंस्टाग्राम के ऊपर, ठीक है, तो आपकी इंस्टा की काफी ज्यादा रेशो बढ़ जाएगी। या यूट्यूब के ऊपर आप इन्हीं वीडियोस को जो है बना सकते हो, या कुछ भी इस तरह की चीजें कर सकते हो जिससे आपकी अर्निंग जनरेट हो जाए। आपको पता है आजकल डेटा, इमेज वगैरह ये सारी कंपनीज जो है वो बहुत ज्यादा परचेज करना पसंद करती हैं और परचेज करती भी हैं। आपको इजीली मिड जर्नी के थ्रू जॉब मिल सकती है, आप अपनी मजीद क्रिएशन को बढ़ा सकते हो और इससे बहुत ज्यादा अर्निंग कर सकते हो। आमतौर पर सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा अर्निंग कर सकते हो। आप यहाँ पर सेलिब्रिटीज को लेके आ सकते हो और उनकी इमेज को थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो, लोग ये देखना पसंद करते हैं, और उसके ऊपर मीम बना सकते हो, यानी कि बहुत कुछ कर सकते हो, कार्टून बना सकते हो, गेम बना सकते हो, यहाँ पर आप वेब सीरीज तक बना सकते हो पिक्चर्स दिखाते हुए, कॉमिक बुक बना सकते हो, छोटी सी बुक बना सकते हो कैनवा और मिड जर्नी को यूज करते हुए, और बहुत सारी चीजें कर सकते हो, बहुत ढेर सारे आइडिया अगर आप करना चाहो तो। बस जरूरत होगी आपको तो एक कंप्यूटर की, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मिड जर्नी आप अपने मोबाइल पर यूज नहीं कर सकते। ऑब्वियसली आप मोबाइल पर यूज कर सकते हो, जिसकी वीडियो शायद मैं लेके आऊंगी, शायद नहीं लेके आऊंगी, वो डिपेंड करता है आप पे। अगर तो वीडियो को 500 लाइक्स मिल गए तो फिर मैं वीडियो लेके आऊंगी इसके ऊपर ना, मोबाइल के ऊपर, एंड अदरवाइज मैं वीडियो शायद नहीं लाऊंगी मोबाइल वाली, क्योंकि सेम प्रोसीजर है, बस ये कि ये स्क्रीन थोड़ी बड़ी है, वो स्क्रीन थोड़ी छोटी है, और थोड़े बहुत फीचर्स जो है वो अलग होंगे, अदरवाइज ये सारा का सारा जो है वो सेम ही होगा। ठीक है, तो आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ अल्लाह हाफिज, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।